क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने काफी हद तक वापसी कर ली है और जिस मैच में भारत की हार पक्की लग रही थी और उसी मैच में टीम इंडिया अब वापसी करती हुई दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईशांत शर्मा जिन्होंने कीवियों की आधी टीम को अकेले ही पवेलियन भेज दिया। हालांकि दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन कीवी टीम को समेटने का काम तो ईशांत ने किया क्योंकि ईशांत ने ही पहले शुरुआती सफलता दिलाई और फिर उन पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता किया जो स्कोर को 300 के पार लेकर गए। तो आपको दिखाते हैं कैसे ईशांत ने कीवीलैंड में मारा पंजा और वो सारे विकेट आपको एक साथ दिखाएंगे। आपको भी ईशांत की बॉलिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बेसिन रिजर्व में टीम इंडिया की हालत वैसे अब भी खराब है लेकिन फिर भी जितना टीम इंडिया वापसी कर पाई है उसकी बड़ी वजह है ईशांत शर्मा। ईशांत के पंजे से ही भारत की कुछ वापसी हो पाई और ईशांत ने पारी में सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए जिसमें शुरुआती 3 विकेट तो ईशांत के नाम थे ही थे। साथ ही साथ पुछल्ले बल्लेबाजों को भी ईशांत ने ढेर किया। सबसे पहले ईशांत ने अपना शिकार टॉम लैथम को बनाया, पंत के हाथों लैथम को कैच आउट कराया और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ईशांत ने दूसरे विकेट के रूप में दूसरे ओपनर टॉम ब्लंडल को आउट किया और भारत को दूसरी सफलता दिलाई और इसके बाद टीम इंडिया में खासा जोश भर गया था। यानी तीसरी सफलता भी ईशांत ने ही टीम इंडिया को दिलाई जब ईशांत ने बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे रॉस टेलर को आउट किया और रॉस अगर आउट नहीं हुए होते तो कीवी टीम का स्कोर 400 के पार होता। मगर ईशांत ने यहां टेलर को चलता किया और टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। शुरुआती सफलताओं के बाद जब आखिर में कीवी टीम के पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल हो रहा था और कीवियों के पुछल्ले खिलाड़ी लगातार बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे तो तब ईशांत ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया और कीवी पारी को समेट दिया। यहाँ ईशांत ने पहले टीम सऊदी को आउट किया और सऊदी को ईशांत ने मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कराया और आखिर में शानदार खेल रहे ट्रेंट बोल्ट को चलता किया। 24 बॉल में 38 रन बनाने वाले बोल्ट को ईशांत ने ही आउट किया पंत के हाथों कैच कराकर। तो ईशांत शर्मा ने पूरी पारी में 5 विकेट झटके और सिर्फ 68 रन दिए। तो कुल मिलाकर टीम को जब भी जरूरत थी चाहे शुरुआत में हो या फिर आखिर में ईशांत ने ही पंजा मारा और अपने विकेट्स का भी पंजा पूरा किया। तो आपका ईशांत की शानदार गेंदबाजी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।